एक बड़ा सुंदर प्रसंग है यशोदा मैया और लाला के मध्य का। ठाकुर जी कह रहे यशोदा मैया से, मैया मैं तो दुल्हन लूंगो, मेरो ब्याह करवा दे। मैया कहती है लाला ब्याह तो करवा दूं पर तेरे लखन तो ठीक ना है, लखन मतलब तेरे लक्षण तो बढ़िया ना है, जब देखो जहां देखो चोरी कर तो डोले। और कहती है लाला तेरी फिर जात सगाई, सगाई तो बहुत आती है पर लाला तेरी फिर जात सगाई, चोरी की बान छोड़ दे मोहन लड़लड़ जात लुगाई। ये चोरी की आदत छोड़ दे सारी ब्रज की लुगाई, लुगाई मतलब स्त्री माताएं औरत, तो सारी ब्रज की लड़लड़ जात लुगाई। आस करन प्रभु मोहन नागर फिर गए बामन नाई। अरे लाला अब तो मान जा। ठाकुर जी कहते मैया हमको नहीं पतो, हमारा तो तू ब्याह करवा दो। मैया बोली अच्छा काम कर, शाम को तेरे बाबा आएंगे तो मैं बाबा ते पूछूंगी। बोले ना ना मैया, बाबा तो शाम को आएंगे, तब तक तो बहुत देर रह जाएगी, कितनी अच्छी अच्छी छोरी हाथ से निकल जाएंगी, तो मैया हमारो तो अभी ब्याह करवा दे। मैया बोली अच्छो एक बात बता, तेरे कौन से ऐसे गुण है जाको देख के कोई अपनी छोरी देखो। ठाकुर जी बोले हमारे बाबा है ना ब्रज के राजा है नंद महाराज, कौन नहीं देना चाहेगा अपनी लड़की। मैया बोली ब्याह तेरो है बाबा को नहीं है, ये पूछेंगे छोरा में का गुण है तो तू बता। अब ठाकुर जी सोच रहे हैं कि क्या करे क्या बताए। मैया बोली अच्छा एक काम कर, तू ये बता तो छोरी कैसी चाहिए। एक कहते ना हमारा वो राजकुमार घोड़े पे बैठ के आएगा और लेके जाएगा, तो तेरे मन में क्या सपने हैं, कैसी बहू चाहिए तो को। तो ठाकुर जी कह रहे बड़ी सुंदर बात, मैया गोरी गुणवारी होए भोरी सी बिचारी होए। पहली क्वालिटी गोरी एकदम अंग्रेजन चाहिए, गोरी गुणवारी होए भोरी सी बिचारी, प्यारी नथवारी बड़े गोप की लली हो, प्यारी नथवारी बड़े गोप की लली, लली ढूंढ देरी माए या में कहा तेरो जाए। समझ आ रही है ना, लड़ी लली ढूंढ देरी माए या में कहा तेरो जाए, झट दुल्हा बनाए बात मान ले भली, झट दुल्हा बनाए बात मान ले भली, और भली छोटे हाथन बीच रचाए दे हो, भली चाहिए तुझे, कौन से गुण चाहिए। तो ठाकुर कहते लली ऐसी ढूंढवाए लऊं गोद में बिठाए, छोटी सी चाहिए मैया, ज्यादा बड़ी नहीं चाहिए, छोटी सी हो, जब मन करे गोजाम घर के गाय चरावे ले जाए। लली ऐसी ढूंढवाए लऊं गोद में बिठाए, रूठ जाऊं तो मनाए मन कर राखे वश,
मैं कभी कभी रूठ जाऊं तो आके मोकू मनावे, प्यार ते कहे अजी का खाओगे, अजी जूस पियोगे दूध पियोगे, और मन कर रखे वश, मेरा मन अपने वश में करके रखे, ऐसी चाहिए। मोसे प्रेम करे आए तेरे चरण दबाए, ठाकुर जी सोची अपनी अपनी बात कहूंगा ना तो मैया ब्याह नहीं कराएगी, थोड़ा सा लालच मैया को भी देना पड़ेगा। तो कह रहे मोसे प्रेम करे आए तेरे चरण दबाए, होरे होरे बतराए आवे बातन में रस, धीरे धीरे बात करे तो मैया ऐसे लगे जैसे शब्द नहीं मोड़े ते फूल झड़ रहे हो, ऐसी बहू चाहिए। मुझसे प्रेम करे आए तेरे चरण दबाए, होरे होरे बतराए आवे बातन में रस, रस ग्राहक घन श्याम किशोर, रस ग्राहक घन श्याम किशोर, प्रीत बढ़े चंद्र चकोरी सी, मैया देखिए ये कथा ना सुनने के लिए नहीं देखने के लिए, सुनोगे तो आनंद नहीं आएगा देखना पड़ेगा। नंद राय का महल है, मैया का सुंदर कक्ष है, और दोनों मैया बेटा आपस में बैठे बैठे बतिया कर रहे हैं, मैया देख देख के बलिहार जा रही है, इतनों सो छोरा और इतनी बड़ी बड़ी बात आनंद ले रही है। अब मैया बोली लाला ब्याह तो तेरो करवा देती, पर ब्याह करवाने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, क्योंकि जो तेरी रिक्वायरमेंट्स है इनको ढूंढना भी तो पड़ेगा, एक ही महिला एक ही कन्या सर्वगुण संपन्न ऐसी मिलेगी कहाँ, और फिर बारात जाएगी न्योतो जाएगो तो वहां में भी टाइम लगेगा। ठाकुर जी बोले ना 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 मैया, इतना सब झंझट नहीं चाहिए। मैया छोटी सी बारात ग्वाल बाल पांच सात, ज्यादा नहीं चाहिए मैया, बस पांच सात ग्वाला हो और बस हम हो। मैया बोली अच्छा तू ये बता पांच सात कैसे, कौन कौन पांच? बोले एक मैं, एक मधुमंगल, एक मनसुखा, एक श्रीदामा, और एक कोई और देखेंगे चल जाएगा। मैया बोली ये सब तो ठीक है, पर इसमें दाऊ दादा कहाँ है, भैया को नहीं लेके जाएगा? बोल खबरदार उसका नाम मत लेना, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मैया जब भी गैया चरावे जाऊं ना तो सबते जाके कहवे है कि या कन्हैया को तो हम आधी रोटी में पेंठ में ते मांग के लाए, मतलब पेंठ, अब पेंठ की डेफिनेशन में कैसे दू पेठ आप समझ लो एक मेला है बाजार है, जैसे सामान मिलता ना वहां पशुओं का बाजार होता। तो बोले मैया पेठ में ते याकू आधी रोट दे के ले आए, तो मैया हमको ऐसो कह कह के चिढ़ावे, सब ग्वालम ते कहवे कि ये नंद को लाला नहीं है, मैया को लाला नहीं, नंद गोरे यशोदा गोरी, यू कारो कहां ते आ गए। अब दो अमेरिकन के बीच में बालक अफ्रीकन पैदा हो जाता थोड़ा तो संशय होता कि कैसे हुआ। तो मैया हमको बहुत चिढ़ावे, और मैया वाको तो नाम ही मतले, वाको कतई हम लेके नहीं जाएंगे। मैया बोली अरे लाला मैं अपनी 9 लाख गैयान की शपथ का के कहूं कि तू मेरो ही लाला है, दाऊ कहे तो कह दे। ठाकुर जी बोले ना ना मैया, थोड़ी एक दूसरी गड़बड़ ये भी है, दाऊ दादा है गोरे हम एक कारे, अब ब्याहने अगर उनको संग लेगे और छोरी वारे ने कही ना कारे ते नाम तो गोरे ते ब्याह करवाएंगे, तो मैया बनी बनाई बरात फीकी पड़ जाएगी, कहीं कहीं छोरी याकू ना दे दे हमारो नंबर नहीं कट जाए या हमारे दाऊ नहीं जाएंगे।
मैया छोटी सी परात, ग्वाल बाल पांच सात, मल हल्दी दो हाथ, पट रेशमी धराए, धाय करे कुल गीत, गोपी गाए देंगी गीत, मोकू दे दे पट पीत, शीश सहरा धराए, धर सहरा ब्याह को जाओ, धर सहरा ब्याह को जाओ, कछाए दे कछनी कोरी सी, करवा दे मेरो ब्याह, मैया बोली बाकी तो सब ठीक है, पर तू ये बता तेरी नजर में कोई है का? क्योंकि जब छोरा ज्यादा ब्याह के पीछे पड़े तो मतलब कहीं तो है, कोई है क्या नजर में? अब ठाकुर जी थोड़े से शर्मा गए, अब कैसे कहे, पर फिर बोले, मैया कोरी करे बात, झूठो बल दाऊ भ्रात, ले न जाऊंगो बरात, राखे कब हु न मेल, मेल राखे न कब हुआ को भोरो कहे तू, मैया ढूंढ दे बहु, जाते बन जाए खेल। मैया बोली बता तो सही कोई है क्या नजर में? तो बोले हाँ एक तो है। कौन सी? खेलन वा दिन घर आई वो। अरे मैया तो को याद है एक दिन आई ना वो गोपी घर खेलने। मैया समझ तो गई, पर मैया ने भी सोची हम भी थोड़े मजे ले ले। मैया बोली कौन कौन की बात कर रहे हो? अच्छो ललिता की बात कर रहे हो? ठाकुर जी बोले राम 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 राम, कौन लड़नी को नाम ले लियो? मैया दिन भर लड़ती रहे, वाते ब्याह करूंगा मैया में, ना 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 कबहू ना करूं। अरे मैया याद कर, खेलन वा दिन घर आई वो। अरे मैया आई नहीं वो सुंदर सी लहंगा फरिया पहर के मुस्कुराती भई। मैया बोली हाँ 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 आ गई याद आ गई। अच्छो मैया हाँ वही ते, अच्छो अच्छो तू चित्रा की बात कर रहे हो है? मैया ठाकुर बोले अरे मैया वाह भेड़ी ते कौन ब्याह करे वो? अरे मैया कोई सुंदर सी चाहिए, दिखने में भी सुंदर हो, काई को दिखा सकेगी हमारी बहू है वो? नहीं मैया याद कर, खेलन वा दिन घर आई वो। मैया बोली कौन की बात कर रहे हो तू? चंद्रावली? बोली अरे मैया कहां वो इतनी धींग दसोर और कहां में ऐसो, कोई मेल तो हो, मेल तो ढूंढ। मैया बोली फिर कौन है तू बताना? तो ठाकुर जी शर्माते भाई बोले खेलन वा दिन घर आई वो, काहू की छोरी भोरी सी। एक आई ना मैया भोरी सी, कौन सी? तब कहते हैं खेलन बाद ने घर आई वो, श्री वृषभानु किशोरी सी। अरे मैया वो वृषभानु किशोरी सी थी ना, अब भी सी लगा दिया, वृषभानु किशोरी सी। मैया बोली लाला या दुनिया में वृषभानु किशोरी जैसी तो केवल एक वो खुद ही है, इसलिए खेलन वा दिन घर आई वो, श्री वृषभानु किशोरी ही। मैया
जैसे मैया ने सुनी प्रसन्न हो गई और छोटे से लाला को अपने गले से लगा लिया। अरे लाला, ब्याह तो तेरो मैं वही ते करवाऊंगी। और ऐसा कई शास्त्रों में वर्णन भी आया है। श्री यशोदा मैया ब्रज का साहित्य कहता है कि जब वृषभान किशोरी मैया के महल आई तो श्री यशोदा नंद रानी ने राधा रानी के हाथों पर हल्दी और मेहंदी लगा दी कि यही हमारी लाला की बहू है। अब श्री किशोरी जो बरसाने आई, सोचा घर जाएंगी, हाथ में मेहंदी होगी तो सब सखियां क्या कहेंगी। तो महल जाने से पूर्व एक कुंड में जाकर के अपने हाथों को धो दिया। आज भी श्री जी का जो मंदिर है उसके नीचे जाकर के एक बड़ा सुंदर सरोवर है जिसे पीली पोखर भी कहते हैं, वहाँ श्री किशोरी जी ने अपने हल्दी के मेहंदी के हाथ धोए हैं और फिर महल में गई है। ऐसा सुंदर श्री ठाकुर जी का और मैया का मिलन, उनका वार्तालाप और श्री राधा रानी की चर्चा तो क्या बताएं। भागवत तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म में श्री किशोरी जी का नाम लेकर के आगे बढ़ जाती है, किंतु जब राधा कृष्ण के मिलन और राधा कृष्ण के प्रेम की बात आती है तो गौड़िया दर्शन से अच्छा राधा कृष्ण के मिलन का उदाहरण और कहीं नहीं हो सकता। श्री जयदेव जी ने गीत गोविंदम में इतना सुंदर राधा माधव के नित्य विहार का वर्णन किया है। बरसाना वृषभानु जी का जो महल है, किसी ने पूछा कि बरसाना नाम क्यों पड़ा, राधा रानी का एक नाम है बरसाने वाली, तो कई कहते हैं कि बरसाने की थी इसलिए इनका नाम बरसाने वाली पड़ गया। लेकिन ब्रज के लोग कहते हैं कि बरसाने की थी इसलिए नाम नहीं पड़ा है, राधा रानी का नाम बरसाने वाली इसलिए पड़ा, कन्हैया जब कृपा करते हैं ना तो बूंद बूंद करके देते हैं, पर राधा रानी जब कृपा करती है ना तो बूंद बूंद करके नहीं, वो कृपा बरसाती हैं, इसलिए उनका नाम बरसाने वाली। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।